गाइज, वेलकम टू आर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डिविजन एल्गोरिथम इन क्यू आयोटा, मतलब क्वेश्चन इंटीजर्स में ही। आगे क्यू ओमेगा में भी करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप्स। अगर आपने क्वेश्चन इंटीजर वाला टॉपिक पूरा पढ़ लिया ना, तो मैं कह रही हूँ आगे क्यू ओमेगा जो टॉपिक आएगा बिल्कुल सेम इन्हीं स्टेप्स पे, कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला, मैं कह रही हूँ। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट, जहाँ जहाँ क्यू आयोटा वहाँ वहाँ क्यू ओमेगा होता चला जाएगा, ठीक है। नॉर्म थोड़ा सा अलग होगा, अदरवाइज सारा सब कुछ सेम ही होगा। तो डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले बीच में दो थ्योरम छूटी हुई है वो करते हैं। लास्ट टाइम वीडियो लंबी हो रही थी तो वहीं हमने स्टॉप कर दिया था, तो पहले ये पीछे की दोनों थ्योरम कर लेते हैं। थ्योरम है ये वाली करेंगे, उसके बाद एक ये वाली करेंगे। एनी गॉशियन इंटीजर नीदर ज़ीरो नोर यूनिटी इज़ डिविजिबल बाई अ प्राइम ऑफ क्यू आयोटा। मतलब एक गॉशियन इंटीजर जो ना तो ज़ीरो है ना यूनिटी है, अगर ऐसा है जो ज़ीरो भी नहीं है यूनिटी भी नहीं है, तो वो पक्का एक क्यू आयोटा के प्राइम से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन लेके चलेंगे कि हो सकता है वो जिससे, मतलब एक प्राइम से डिविजिबल होगा, हो सकता है वो जो नंबर है वो खुद प्राइम हो, ठीक है, वो सेम हो तो वो उससे डिविजिबल हो जाएगा। अगर प्राइम नहीं है तो फिर उसको ब्रेक करके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन है क्वेश्चन में कि एग्जाई लेट कर लिया कि वो जो गॉशियन इंटीजर है वो एग्जाई है जो ना ज़ीरो है ना यूनिटी है, ठीक है। अब इस एग्जाई पे दो केस बनाएंगे, या तो ये प्राइम है या ये प्राइम नहीं है। अगर ये प्राइम है एग्जाई, अगर ये प्राइम है तो अपने आप को अपने आप से डिवाइड कर देगा, और एग्जाई प्राइम है तो हम कह देंगे कि एग्जाई जो है प्राइम से डिविजिबल हो गया। यही प्रूव करना था कि ये जो नंबर आएगा एग्जाई, हमने लेट किया वो जो गॉशियन इंटीजर एग्जाई नाम ले लिया, वो एग्जाई हमेशा एक प्राइम से डिविजिबल होगा। तो अगर एग्जाई खुद प्राइम है तो अपने आप से डिवाइड करेगा, तो ये प्राइम से डिविजिबल हो गया। हो सकता है अगला केस कि अगर एग्जाई प्राइम नहीं है। अब देखो, हमने पढ़ा था अगर एग्जाई की प्राइम वाला जब पोर्शन पढ़ा था हमने, कि एग्जाई जो है, एक थ्योरम भी पढ़ी थी, जब एग्जाई ना तो प्राइम है ना, सॉरी हाँ, एग्जाई ना तो प्राइम है ना यूनिटी है और ना ही ज़ीरो है, नीदर ज़ीरो नोर यूनिटी एंड एग्जाई इज़ नॉट अ प्राइम। नॉट अ प्राइम मतलब उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है इस तरह, ठीक है। दो गॉशियन इंटीजर्स की, तो ये दो गॉशियन इंटीजर्स हैं, इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्राइम ही होंगे, कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखे, नहीं। दो गॉशियन इंटीजर्स ऐसे होंगे जिनको एग्जाई को इनकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये पता था इसका नॉर्म वन से बड़ा और इसका नॉर्म वन से बड़ा, लेकिन इसका नॉर्म वन से बड़ा है लेकिन इस एग्जाई से तो छोटा ही होगा। अब मैं कहूँ 14 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7, तो इसका ये जो 2 है वो 1 से तो बड़ा है लेकिन इस 14 से तो छोटा ही होगा जो इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो 1 इज़ लेस देन नॉर्म ऑफ अल्फा 1 इज़ लेस देन नॉर्म ऑफ एग्जाई, ठीक है। अब केसेस करते हैं इस अल्फा 1 पे। हो सकता है अल्फा 1 बीटा 1 अगर प्राइम है तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद अल्फा, अगर ये प्राइम है तो ये प्राइम से डिविजिबल हो जाएगा एग्जाई, ठीक है, क्योंकि इनके फैक्टर्स हैं। तो इस हो सकता है ये प्राइम ना हो, ठीक है, अल्फा 1 पे लेके चल रहे। हो सकता है कि अल्फा 1 जो है वो प्राइम नहीं है। अगर वो प्राइम नहीं है तो वो हमें पता है यूनिटी नहीं है, क्योंकि उसका नॉर्म 1 से बड़ा दे रखा है क्वेश्चन में, वो यूनिटी नहीं है, वो ज़ीरो नहीं है, तो उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं सच दैट इसका नॉर्म 1 से बड़ा और इसका नॉर्म 1 से बड़ा, ठीक है। नॉट प्राइम की डेफिनेशन लगा रहे हैं अब हम, लेकिन इस अल्फा 2 का नॉर्म इस अल्फा 1 से तो छोटा ही होगा, 1 से तो बड़ा है लेकिन अल्फा 1 से छोटा होगा, और ऊपर से देख के आए हैं अल्फा 1 का नॉर्म एग्जाई के नॉर्म से छोटा है, ठीक है। तो इन इसको और इसको इकट्ठा किया है कि 1 इज लेस देन अल्फा 2 इज लेस देन नॉर्म ऑफ अल्फा 1 इज लेस देन नॉर्म ऑफ एग्जाई। इसी तरह ये स्टेप्स आगे बढ़ते जाएंगे, तो नॉर्म ऑफ एग्जाई से नॉर्म ऑफ अल्फा 1 आया, अल्फा 2 आया, अप टू सो ऑन, कहीं ना कहीं अल्फा कहीं तो ऐसा होगा जहां वो इस पॉइंट पे जहां वो प्राइम ना हो, इस तरह से प्राइम नॉट प्राइम, ठीक है, इस तरह की फॉर्म से। तो इस तरह के लेके आए हम अल्फा आर तक ले आए, करते करते हम एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रैशनल इंटीजर्स, एक मिनट, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यस,
एक सीक्वेंस आ गई, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, नॉर्म ऑफ एक्स आई, नॉर्म ऑफ अल्फा वन, अल्फा टू, अप टू अल्फा आर इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रैशनल इंटीजर्स, वी मस्ट कम टू अ प्राइम अल्फा आर. हम कह रहे हैं कि हम एंड में उस अल्फा आर जो प्राइम है वहाँ तक आ जाएंगे. ठीक है, कभी ना कभी तो ये सीक्वेंस बनेगी ही बनेगी, आगे कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट तो आएगा ही आएगा. ठीक है, तो xi इज इक्वल्स टू क्या था सबसे पहले, अल्फा वन बीटा वन, फिर हमने अल्फा वन को ब्रेक किया था अल्फा टू बीटा टू में, बीटा वन एज इट इज, फिर इस अल्फा टू को ब्रेक किया था अल्फा थ्री बीटा थ्री, इस तरह से अल्फा ऐसे थ्री को ब्रेक करेंगे अल्फा वन, सॉरी अल्फा फोर बीटा थ्री बीटा टू बीटा वन, ऐसे चलते चलते अल्फा आर बीटा आर तक आ गया ऑप्शन. ठीक, तो इसका मतलब अल्फा आर जो है वो क्या है, किससे डिविजिबल है, सॉरी अल्फा आर किसका डिवाइजर है, एक्साई का, और एक्साई का डिवाइजर है तो अल्फा आर क्या है, और हमें पता चल गया आगे, क्योंकि अल्फा आर था क्या खुद से, अल्फा आर प्राइम ही मतलब लेके आए ना क्यू आयोटा में प्राइम. ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट के लिए. देखो नेक्स्ट थ्योरम है, एनी गॉसियन इंटीजर नीदर जीरो नोर यूनिटी कैन बी रिटन इज प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स इन क्यू आयोटा. कि अगर ऐसा कोई नंबर है क्यू आयोटा में, कोई गॉसियन इंटीजर है जो ना तो जीरो है ना यूनिटी है, तो हम उसे फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं. इंडक्शन से करेंगे इसको. चलो लेट कर लिया, वो गॉसियन इंटीजर कौन है, एक्साई. एक्साई ऐसा गॉसियन इंटीजर है जो ना तो जीरो है और ना ही यूनिटी है. अगर एक्साई खुद से ही प्राइम है तो रिजल्ट तो ट्रू ही है, प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर एक्साई ही प्राइम होगा तो उसको प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखा जा सकता है. ठीक है, तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन अगर वो प्राइम नहीं है, अब क्या करेंगे, इसे इंडक्शन से प्रूव करेंगे. और इंडक्शन करेंगे हम किस पे, नॉर्म पे. वी एज्यूम, जैसे हम करते थे ना लेस देन के लिए हम लेट करके चल लेते थे और उसके लिए प्रूव कर देते थे. ठीक है, वी शेल प्रूव दैट, वी एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल गॉसियन इंटीजर, सारे गॉसियन इंटीजर, लेकिन वो जो ना जीरो हो और ना यूनिटी हो. गॉसियन इंटीजर ऐसे लेने हैं, ठीक है, जो ना जीरो हो और ना यूनिटी हो, और उसका नॉर्म जो है अगर एक्साई के नॉर्म से छोटा है तो हम कह देंगे कि ये जो रिजल्ट है कि फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये ट्रू है अगर ऐसा हो जाता है तो. ठीक है, ये लेट करके चले. अब हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे और आगे प्रूव करेंगे. ठीक है, अगर एक्साई प्राइम नहीं है तो बाय लास्ट थ्योरम हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ प्राइम पाई सच दैट एक्साई इज इक्वल्स टू पाई इंटू अल्फा. कि उसे प्रोडक्ट इस तरह का, अगर कोई एक्साई प्राइम नहीं है तो हम एक प्राइम ऐसा ढूंढ सकते हैं सच दैट प्राइम की इससे प्रोडक्ट करें तो एक्साई आ जाए. ठीक है, और इसका नॉर्म जो है अल्फा का, वो नॉर्म ऑफ एक्साई से छोटा होगा. ये भी तो हो सकता है कि अगर ये अल्फा का नॉर्म जो है वो एक्साई से तो छोटा है, हो सकता है ये वन हो जाए. तो देखो इस पर केस डिस्क्राइब करेंगे अब हम, कि ये वन भी हो सकता है. जस्ट वेट. यस, इफ नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू वन, अगर इसका नॉर्म वन हो जाता है, सोचो अगर नॉर्म वन है किसी भी क्वेश्चन इंटीजर का, अगर नॉर्म वन है तो इसका मतलब वो यूनिटी है. अगर अल्फा यूनिटी है और यूनिटी से जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका क्या बन जाता है, एसोशिएट. पढ़ा था ना लास्ट ही वीडियो में मैंने आपको एसोशिएट और लास्ट, यस लास्ट टू लास्ट एसोशिएट और प्राइम की डेफिनेशन समझाई थी. ठीक है, तो ये अगर अल्फा यूनिटी हो जाती है तो एक्साई क्या हो गया, वो तो एसोशिएट हो जाएगा पाई का. इसका मतलब पाई तो प्राइम है तो ये भी प्राइम हो जाएगा. अगर एक्साई प्राइम हो गया तो क्या ऊपर वाला क्वेश्चन ठीक है, हमने ऊपर लेट करके चले थे इफ एक्साई इज नॉट प्राइम, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई. क्योंकि अगर अल्फा की वैल्यू, नॉर्म ऑफ अल्फा की वैल्यू वन होती है तो तब तो ये इसको प्राइम बनना पड़ेगा, लेकिन प्राइम तो ये है नहीं. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन. इसका मतलब इसका नॉर्म वन नहीं है, वन नहीं है तो वन से बड़ा, क्योंकि नॉर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा तो वन से बड़ा. इसका मतलब नॉर्म जो है अल्फा जो है वो वन से, नॉर्म ऑफ अल्फा क्या है, वन से बड़ा.
और दूसरी चीज़ हमें ये है, नॉर्म ऑफ अल्फा जो है वो नॉर्म ऑफ एक्साई से छोटा है। अल्फा जो है वो ना तो ज़ीरो है ना यूनिटी, क्योंकि अभी अभी हम कह के हैं इसका नॉर्म वन नहीं है, वन नहीं है तो ये यूनिटी नहीं है, ठीक है। ना तो ये ज़ीरो है, वन से बड़ा है इसका नॉर्म, ना ये यूनिटी है, और नॉर्म ऑफ अल्फा जो है नॉर्म ऑफ एक्साई से छोटा है। ऊपर एजम्पशन क्या ली थी हमने इंडक्शन के टाइम में, याद करो कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन इंटीजर मिल जाए जो ना तो ज़ीरो हो ना यूनिटी हो और उसका नॉर्म नॉर्म एक्साई के नॉर्म से छोटा हो, तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, ये तीन कंडीशन हो जाए तो। देखते हैं क्या ये तीनों कंडीशन ट्रू हो रही है। अल्फा जो है वो ना तो ज़ीरो है ना यूनिटी है और एक्साई के नॉर्म से उसका नॉर्म छोटा भी है, तो हम इंडक्शन से कह सकते हैं कि ये रिजल्ट को होल्ड करेगा अल्फा। रिजल्ट को होल्ड करने का मतलब क्या है कि अल्फा को हम फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट कर लिया कि वो फाइनाइट प्राइम की प्रोडक्ट कौन सी है, ये प्राइम्स हैं वे, पाई वन पाई टू अप टू पाई आर। तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं, पाई वन पाई टू अप टू पाई आर। अगर अल्फा को ये लिख सकते हैं, और एक्साई क्या था हमारे पास, एक्साई था पाई इंटू अल्फा, ऊपर हमने लेट किया था ना, एक्साई क्या था पाई इंटू अल्फा, पाई की वैल्यू एज इट इज रखो, अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ठीक है। तो प्राइम्स कितने हो गए इसमें, आर प्लस वन प्राइम्स हैं। ये आर तो हम अल्फा को लिखने के लिए, और एक्साई को लिखने के लिए इस अल्फा को पाई से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब एक्साई लिखा जाएगा। तो फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप यू गेट इट। देखो अब है डिवीजन एल्गोरिथम इन क्यू आयोटा। डिवीजन एल्गोरिथम इन क्यू आयोटा एक नेमिंग थ्योरम है, आपको स्टेट एंड प्रूव करके भी आ जाती है, और इससे अगली थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल थ्योरम, दोनों थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिवीजन एल्गोरिथम इन क्यू आयोटा, डिवीजन एल्गोरिथम जो है ना एक तरह से बिल्कुल सेम है जैसे हम इंटीजर्स वगैरह में पढ़ते थे, बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ क्यू आयोटा का है, तो सारे के सारे वेरिएबल क्यू आयोटा वाले लेने होंगे, ठीक है। देखो स्टेटमेंट भी आपको याद करनी है, गिवन एनी टू इंटीजर्स गामा एंड गामा वन, और गामा वन लेना है नॉन ज़ीरो, लेकिन लेने किसके हैं दोनों के दोनों, क्यू आयोटा के, काम सारा क्यू आयोटा में करना है, ठीक है। अगर दो इंटीजर्स हैं हमारे क्यू आयोटा में, तो प्रूव करना है कि दो और इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे क्यू आयोटा में ही, रो एंड गामा टू, सच दैट गामा इज इक्वल्स टू रो इन टू गामा वन प्लस गामा टू, और इस गामा टू का नॉर्म जो है वो गामा वन के नॉर्म से छोटा होगा, ठीक है। ये वही है बिल्कुल सेम, रिमाइंडर जो है वो इससे छोटा होगा, क्योंकि हम गामा टू को गामा वन से थोड़ी लिख सकते हैं अभी इसमें, इसमें तो नॉर्म से ही तो कंपेयर कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास लिखा हो 3+4 आयोटा, 7+8 2 आयोटा, तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है, वो कैसे पता चलता है गॉशियन इंटीजर्स में कौन सा बड़ा है, उसका नॉर्म निकालने के बाद। एक नॉर्म सिखाया जब मैंने बताया था कि गॉशियन इंटीजर्स के केस में जो नॉर्म होता है किसी भी गॉशियन इंटीजर का, वो उसके मोड के स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि नॉर्म अगर ए प्लस आयोटा बी का निकालना हो तो क्या निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मोड निकालना हो ए प्लस आयोटा बी का तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करते ही इक्वल हो जाते हैं। तो नॉर्म और स्क्वायर जो मोड का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल ही होते हैं इन केस ऑफ क्यू आयोटा। हर जगह अप्लाई मत करना इस रूल को, ओनली इन द केस ऑफ क्यू आयोटा, ठीक है। इस चीज़ को भी यूज़ करेंगे आगे चल के हम। तो प्रूफ के लिए तो चलें, अब क्वेश्चन में गिवन है गामा वन जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो जब तुम गामा को गामा वन से डिवाइड करोगे तो आर प्लस आयोटा एस इस तरह की फॉर्म बनेगी, क्योंकि ये भी एक गॉशियन इंटीजर है, ये भी एक गॉशियन इंटीजर है, ये नॉन ज़ीरो है तो इसीलिए इससे हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये आर और एस हैं क्या, आर और एस हैं रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखो तो यहाँ तक तो हमारा प्योर नॉर्मल डिवीजन एल्गोरिथम ही चल रही है। अब आर और एस रियल नंबर्स हैं, एक बार खुद इमेजिन करके देखो, किसी रियल में से कभी ऐसा कोई ना कोई एक ऐसा रैशनल नंबर मिल सकता है ना, कि उस रियल में से हम उस रैशनल नंबर को हटा दें, माइनस कर दें, तो उसका मोड लेस देन 1/2 आ जाए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल से मिलके ही तो रियल नंबर बनते हैं, ठीक है। जस्ट वेट 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 वेट
नहीं, 1/2, हाँ, ओके, हाँ, आर प्लस आयोटा एस, रियल नंबर से ये आर और एस, अगर इस रियल नंबर्स में से, मान लो आर को लेके चलते हैं, इस आर में से कोई तो ऐसा रैशनल इंटीजर होगा जिसको अगर हम माइनस करके उसका मोड चेक करें तो उसका मोड लेस देन इक्वल्स टू 1/2 आ जाए। बिल्कुल हो सकता है कि कोई ना कोई रैशनल इंटीजर जो है एग्जिस्ट कर ही जाएगा, रैशनल इंटीजर मतलब नॉर्मल इंटीजर, ठीक है, तो कुछ ना कुछ होगा। जब आर के लिए मिल जाएगा ऐसे ही एस के लिए भी मिल जाएगा कि अगर एस रियल नंबर है तो उसके लिए एक रैशनल इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट कर ही जाएगा जिसका मोड अगर निकाले माइनस करके तो लेस देन इक्वल्स टू 1/2 आए, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, ये आ गया, यहाँ तक समझ आए। अब हमें गामा की, गामा टू की और रो की, जो हम ऊपर कह रहे थे कि देर एग्जिस्ट टू इंटीजर सच दैट, हमें ये प्रूव करना कि दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। हमने लेट कर लिया कि वो जो दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे वो रो और गामा टू ऊपर हमने बताया था, उसकी वैल्यू हमने ले ली है, गामा की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई ले ली और गामा टू की वैल्यू गामा माइनस रो इंटू गामा वन ले ली। अब यहाँ से हमें पता चल गया गामा इज इक्वल्स टू रो इंटू गामा वन प्लस गामा टू, ठीक है। तो ये तो डिवीजन एल्गोरिथम इतनी बड़ी बात नहीं थी, उसमें मेन एक चीज़ और प्रूव करनी थी ऊपर, याद हो तो, कि ये इसके इक्वल होगा और इसका नॉर्म जो है ना इसके नॉर्म से लेस देन होगा, ठीक है, तो ये प्रूव करना है। तो अब लास्ट टू प्रूव क्या है, क्लेम क्या है हमारा, नॉर्म ऑफ गामा टू इज लेस देन नॉर्म ऑफ गामा वन। गामा टू से शुरू करते हैं, नॉर्म ऑफ गामा टू, अभी जब भी मैंने डिवीजन एल्गोरिथम शुरू की है तभी बताया था किसी भी नंबर का नॉर्म उसके मोड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ गामा टू क्या होगा, मोड ऑफ गामा टू का स्क्वायर। मोड ऑफ गामा टू क्या होगा, अब गामा टू की वैल्यू पुट करो यहाँ से, गामा माइनस रो गामा वन, गामा वन कॉमन लो, यहाँ से क्या बच जाएगा, गामा माइनस गामा बाय गामा वन माइनस रो, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से उठा के जो आई थी, इस रो को मोड से बाहर निकाल लो, इसका स्क्वायर साथ ले लो, मोड ऑफ रो का वन का स्क्वायर, आर प्लस आयोटा एस, इसको लिख सक, इसको आयोटा वाले एक साथ ले लो, बिना आयोटा वाले मतलब रियल पार्ट एक साथ, आर माइनस एक्स प्लस आयोटा एस माइनस वाई, ऊपर स्क्वायर जो है वो साथ साथ चल ही रहा है। उसके बाद है, यहाँ तक समझ आए, आर माइनस स्क्वायर को मोड को अप्लाई किया हुआ है, मोड कैसे खोलोगे, मान लो ए प्लस आयोटा बी का मोड है तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर दी रूट, मोड खुल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर दी रूट और उसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रखा है, ठीक है, वो एक स्टेप बीच में हटा रखा है कि अगर तुम इसको करोगे तो आर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एस माइनस वाई का स्क्वायर कम रूट और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो मोड लगा रखा है और वो स्क्वायर साथ साथ कैंसिल हो गया, रूट बनेगा क्योंकि मोड की वैल्यू निकालोगे तो। अब ऊपर हमने आर माइनस एक्स के मोड का स्क्वायर वो क्या आया था, लेस देन इक्वल्स टू 1/4, ये क्या आया था, लेस देन इक्वल्स टू 1/4, 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2, ये आ गया हमारे पास भाई गामा वन के मोड का स्क्वायर बाय टू। ये अपने ही स्क्वायर से तो छोटा ही होगा, अब ए स्क्वायर मान लो ए स्क्वायर बाय टू हो तो वो अपने ही ए स्क्वायर से तो छोटा ही होगा, ठीक है, तो यही कर रखा। अब क्या आ गया नॉर्म ऑफ, इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, गामा वन के मोड का स्क्वायर, किसी नंबर के मोड का स्क्वायर उसके नॉर्म के इक्वल होता है, तो नॉर्म ऑफ गामा वन। नॉर्म ऑफ गामा टू लेके चले थे और हमारे पास आ गया लेस देन नॉर्म ऑफ गामा वन, यही तो प्रूव करना था, नॉर्म ऑफ गामा टू लेके चले थे इज लेस देन इक्वल टू, नहीं है ये काट रखा, नॉर्म ऑफ गामा टू लेके चले थे और नॉर्म ऑफ गामा वन से छोटा आ गया और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। आई होप डिविजन एल्गोरिथम आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इन गॉसियन इंटीजर या इन क्यू आई ओटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे, वीडियो लंबी हो रही है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो थैंक यू गाइज़।